मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों आज जौनपुर के एसपी श्री आशीष तिवारी जी ने एक मीटिंग करी थी और लगातार वो पब्लिक मीटिंग करते जा रहे हैं और उनका मीटिंग करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो मैं उद्देश्य आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य उनका यह था कि वो एक लोक प्रशासक हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं एक आईपीएस लोक प्रशासक होता है और इस समय वह जौनपुर के एसपी हैं। और कहीं ना कहीं जब भी कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले पुलिस महकमा वहाँ पहले पहुँचता है और उंगली भी पहले पुलिस महकमा पर ही उठती है। लेकिन सतर्कता की अगर बात आती है अपराध को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें हम आम नागरिकों को भी एक थोड़ी सी छोटी सी हिस्सेदारी होती है। कहीं ना कहीं हम कभी भी कोई भी घटना अगर होती है तो सबसे पहले पुलिस को दोषी ठहराते हैं या पुलिस की बात व्याख्या करते हैं। उसी पुलिस महकमे में सुधार करने के लिए आशीष जी ने एक लंबा जो टाइम था उसे इतना शॉर्ट कर दिया और एक ऐसी सजेशन की जो हम सब के लिए बेहतर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए थे, जो भी व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक बेहतर सुझाव दिया कि सबसे ज़्यादा इस समय बेरोजगारी का है आलम और बेरोजगारी के आलम में इंसान की ज़रूरतें, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा लग जाती है, तो उसको पूर्ति के लिए लोग तरह तरह के वारदात करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आजकल अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके पास कैश लेन देन ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हम क्या होते हैं कि कैश कर बैंक ले जाते हैं या बैंक से ले आते हैं, तो हम बैग का प्रयोग करते हैं, बाइक से जाते हैं, बाइक से अकेले जाते हैं, इस समय वारदात होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने माननीय कप्तान साहब ने ये बताया कि सबसे पहले आप तो अपने साथ किसी व्यक्ति को, अगर आपके पास अमाउंट कम है तो किसी व्यक्ति के साथ जाएं, अकेले ना जाएं, और यदि फिर भी आपको समस्या हो रही है तो आप फोर व्हीलर से जाएं, बंद गाड़ी से जाएं। हो सकता है 150 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन आपको जान जोखिम और पैसा दोनों से आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक कोई फोर व्हीलर लेकर जाए, 150 रुपये ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा क्या लगना है। और अगर ये नहीं कर पाते तो वहाँ नज़दीकी पुलिस जो भी थाना हो वहाँ उनसे फ़ोन करिए, वहाँ कोई भी कांस्टेबल आपके साथ आएगा और आपके बैंक तक पैसा सुरक्षित जमा कराएगा, निकलवा कर आपको सुरक्षित छोड़ने के बाद ही वह जाएगा। यह सुझाव उनका बहुत ही बेहतर और ही बड़ा ही अद्भुत सा लगा। और एक बात और उन्होंने कहा, जो वो ये कहा कि जौनपुर में जो वारदातें हो रही हैं लगातार, कहीं लूट की, कहीं किसी प्रकार की, कहीं भी, केवल जौनपुर की बात नहीं है, लगभग पूरे देश में बेरोजगारी का आलम ही ऐसा है, तो उसके लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का एक बेहतर सुझाव दिया। सीसीटीवी कैमरा लगभग हर जगह लगा रहा है, क्योंकि हम आप चाहे कोई प्रहरी हो, वो चंद समय के लिए उसकी आँखें इधर से उधर हो सकती हैं, आँखें झक की पलके झपक सकती हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की आँखें ऐसी हैं जो जब तक लाइट पावर उसे मिल रहा है तब तक उसकी आँखें नहीं झपकेंगी। लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत गुण बातें बताई जो आपको बताऊंगा, ये दोनों गुण बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बात उन्होंने ये बताया, जब हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं तो मॉनिटर लगाने के बाद जो उसका मेन CVR होता है वो मेन काउंटर पे पास रख देते हैं, तो जो व्यक्ति एंट्री करता है, जो अपनी वारदात करता है, उसे पता होता है, वो उसको उठा लिया जाता है, तो उससे हमारा सीसीटीवी कैमरा लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप वही सीसीटीवी कैमरे को आप किसी अत्यंत जगह लगा दीजिए, ऐसी जगह जहाँ केवल आपको पता हो, चंद लोगों को पता हो, वो आएंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ आपको सुरक्षित मिल जाएंगी। दूसरी बात, यदि आप अमाउंट ज़्यादा लेकर जाते हैं, आप पुलिस को नहीं सूचित कर पा रहे हैं, फोर व्हीलर नहीं यूज करते, उस बड़े से बैग में छोटा सा स्थान ऐसा रखे जिसमें कोई पुराना सेलफोन डाल दे चार्ज करके और साइलेंट कर दे उसको, और अगर कोई बैग लेकर भागता है तो उसे अगर तत्काल सूचना अगर आप पुलिस को देते हैं तो उस स्थान की लोकेशन ट्रैक करके वो 2 से 3 घंटे में अपराधी को पकड़ के और आपका सामान, आपका जो माल है, वो आपको सुरक्षित वापस करा देंगे। यह सुझाव उनका बहुत बेहतर और बड़ा सराहनीय लगा। और साथ ही साथ उन्होंने हमारे समाज में जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो बड़ी समस्याएँ हो रही हैं और एक पुलिस का डर बना हुआ है लोगों से, जैसे रॉयल एक्ट हमने पढ़ा है 1919 का, एक तरह से जो बड़ा चर्चित रहा, वैसे तो 17 से शुरुआत हो गई थी लेकिन कई पेचे आने बाद उसको 1919 में जिस काला कानून के नाम से जानते हैं, जो पुलिसिया डर व्याप्त है उसे भी उन्होंने ख़त्म करने के लिए, उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने भी एक सुझाव दिया कि पूरे दीवार पर, चाहे वो नगर हो, चाहे ग्राम हो, चाहे जिला शहर हो, हर जगह लगभग एक दो घर छोड़कर हर घरों पर मोबाइल नंबर, सबसे पहले कप्तान साहब का, थानाध्यक्ष का, अन्य थाने के जो आला अधिकारी हैं उनके नंबर को लिखवा दिया गया, ताकि किसी भी समस्या के समय कोई व्यक्ति आप उसे सूचित कर सके। और आप भी यदि जौनपुर जनपद में है तो आप जौनपुर जनपद में इस बात को लोगों तक बताइए, लोगों को पहुंचाइए, और कप्तान साहब खुद अपना पर्सनल नंबर आपको दिए, लोगों को तक दिए, ताकि आप कोई भी समस्या के समय, यदि आप वास्तव में समस्या जूझ रहे हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई ऐसी समस्या को आपने वारदात होते हुए देखा है जिससे आप अपना नाम भी न उजागर हो, आप समस्या से रूबरू करना चाहते हैं, तो तुरंत आप उसकी फोटो क्लिक करके उनके व्हाट्सएप पर भेजिए और उस पर कार्रवाई करने का पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे
जनपद के लिए एक सराहनीय कदम है। तो यह कदम, क्योंकि आप जौनपुर समेत अलग अलग जिलों से और भारत के पता नहीं कौन कौन से राज्य से हमें देख रहे होंगे, तो आपके लिए भी यह सुझाव अगर बेहतर लगे अपने आप ही से फॉलो करने का पूरा प्रयास करेगा। वैसे आपका अधिकार तो नहीं, आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कहावत कही गई चीन में कि हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरुआत होती है। उस कदम की पहल हमारे जौनपुर क्षेत्र से हो गई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और सबसे सराहनीय कदम जो उनका रहा वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाने का प्रावधान या एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी जनपद, चाहे इस जनपद के चाहे अदर जनपद के, अगर उनके अंदर वो क्षमता है, अगर वास्तव में एक सिविल सेवक, एक लोक सेवा बनना चाहते हैं, तो उनको लिए उन्होंने एक बेहतरीन मौका दिया है। और वो एक लिमिटेड सीट 40 लोगों का, लगभग 35-40 लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, और उस एग्जाम के आधार पर ही, उस एग्जाम के आधार पर ही बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे, और उसमें खुद 2 दिनों पढ़ाएंगे। और दीपक सर हैं, OBIPS हैं, एडिशनल SP हैं, और फिर SP कप्तान साहब, दोनों लोग मिलकर और कुछ लोगों की टीम, हो सकता है मुझे भी मौका मिले, हो सकता है मुझे भी मौका मिल दे, तो ऐसे लोग से मिलकर एक बेहतर टीम बनाकर एक उस समाज को जो वास्तव में पढ़ना चाहता था लेकिन योग्यता थी लेकिन वो उस चीज़ें से दूर थे, उनके पास मूलभूत सुविधाएं तो थी लेकिन अगर पैसे की समस्या थी, दूर दराज कोचिंग नहीं जा सकते थे, उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है और मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है। और जिस जौनपुर सिराज हिंद की बात करते हैं, ये कभी ISO की धरती कही जाती है, या एक गांव है माधोपट्टी, जहाँ 9-9 IS के घर से 4-4 IS हैं और कई पुत से अधिकारी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी गाइडेंस का सबसे जो बड़ा महत्व होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और जल्द ही हो सकता है वो आपसे भी बात करेंगे। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना, सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे आर्थिक सहयोग दें, आप उन्हें उन बच्चों तक उनको पहुँचाएं जिनको वास्तव में ज़रूरत हो, उस योग्य हो, आप उन तक पहुँचा के आप उस बच्चे के ऊपर एक एहसान कर सकते हैं और शायद उसकी ज़िंदगी बनाने में आपका एक अहम भूमिका हो सकती है। तो आप किसी भी जनपद से, किसी भी ज़िले से हैं, तो अगर आपको लगता है आशीष जी ने बेहतर काम किया है और वह काम सराहने योग्य है, तो आप भी उस मुहिम को उनके और आगे बढ़ाइएगा और ये प्रयास करिएगा यह मुहिम इस जनपद समेत सभी जनपद में चले। और जितने भी अधिकारीगण हैं, अगर इस तरह से वो सहयोग करना शुरू कर देंगे, वास्तव में जिस विश्व गुरु बनने का सपना भारत देख रहा था वो जल्दी साकार हो जाएगा, क्योंकि आज भी हमारे और आपके जहन में जो पुलिसिया डर बनी हुई थी, उस डर को उन्होंने ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है। और हम ये महसूस करते हैं, समझते भी हैं कि हो सकता है इनके बाद भी यदि कोई और आला अधिकारी आता तो कहीं ना कहीं वह इनसे वंचित नहीं होगा, वह इन्हीं के आधार पर चलेगा। तो वास्तव में अगर ये प्रगति इस तरह होती रही तो बहुत ही बड़ी बात है। और हाँ, आचार संहिता इसमें लागू हुई है और उसका भी आप लोग पूरा ख्याल करिए और मतदान जरूर करिएगा। आप चाहे जिसे भी मतदान करिएगा लेकिन अपना मत जरूर प्रयोग करिएगा। जो संविधान ने, जो कानून ने जो आपको आधार दिया, जो अधिकार दिया, उस अधिकार का पूरा प्रयोग करिएगा, खुद मतदान करने जाइएगा और सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करिएगा, और चाहे जिस पार्टी को, चाहे जिसको वोट करे, लेकिन वोट जरूर करे, क्योंकि एक लोकतंत्र की, एक अच्छी लोकतंत्र के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व में जो उत्सव इस समय जो चल रहा है, उस उत्सव में आपकी भूमिका सर्वोपरि है। आप अपनी भूमिका से वंचित नहीं होइएगा, अपने अधिकार से वंचित मत होइएगा, आप मतदान जरूर करिएगा। और मैं पुनः अपने इलानी बुद्रगेश की पूरी टीम की तरफ से पुनः जौनपुर के SP को सहित धन्यवाद देता हूँ उनकी सराहनीय कार्य से। हो सकता है कहीं ना कहीं इस जो ये पहल उन्होंने की है, यह पहल एक दिन आने वाले समय में हो सकता है भारत के 650 जो जिले हैं वहाँ तक इनका ये पहल पहुँचे। और कहा भी गया है कि शुरुआत कोई एक करता है तभी जाके लोग उसके पीछे कारवा लगती है, तो कारवा लगने का समय आ गया है और जल्द ही होगा। और आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सभी इच्छुक हैं कि इस तरह से कोचिंग में जुड़ना और इस तरह से जुड़कर पढ़ना, आपका मोस्ट वेलकम है। आप भी आइएगा लेकिन अपनी योग्यता को परख के, अपनी योग्यता को पहचान करके। इसी के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और इस वीडियो लिंक को शेयर करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने में मदद करिएगा, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह पहुँचे और लोगों के अंदर जिज्ञासा और जागरूकता और एक अच्छी पहल पहुँचे, क्योंकि आप की जान और आपके जोखिम का हिफाजत करना पुलिस का कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जौनपुर के SP कप्तान साहब ने एक बड़ी पहल की है और यह पहल सराहनीय है। अगर आपको लगता है यह पहल बहुत बेहतर है, इस वीडियो लिंक को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग इस मुहिम से जुड़े और इस भारत को विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो जल्द से साकार हो जाए। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।